बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रेडरिक टेलर जी। अर्ली ईयर्स फ्रेडरिक टेलर के बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट में स्पेशली। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रेडरिक टेलर की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। फ्रेडरिक टेलर वॉज बॉर्न इन पेंसिल्वेनिया। हिज पेरेंट्स इंटेंडेड दैट ही शुड फॉलो हिज फादर्स प्रोफेशन ऑफ लॉ एंड इन 1872 ड्यूली इनरोल्ड एट अ फिलिप्स एग्जिटर अकेडमी इन एग्जिटर न्यू हैम्पशायर टू प्रिपेयर फॉर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो उसके फादर चूँकि लॉ की प्रोफेशन से थे तो वो भी ये चाहते थे कि ये भी लॉ में आए, लेकिन और उसने फिर एग्ज़ाम पास किया या आगे नेक्स्ट देखें। ही पास दी हार्वर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम विद ऑनर्स एंड आई ग्लासेस वुड अल्टीमेटली सॉल्व द विजन एंड हेडेक प्रॉब्लम्स। टेलर डिसाइडेड टू टर्न अवे फ्राम फर्दर स्टडीज़। यानी एग्ज़ाम पास कर लिया हार्वर्ड का लेकिन स्टडी फिर लॉ की तरफ नहीं की। हिज पेरेंट्स सजेस्टेड दैट ही कंसिडर बिकमिंग एन इंजीनियर। सो एट द एज ऑफ 18 ही बिगेन एन अप्रेंटिसशिप एज एन पैटर्न मेकर फॉर द एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स फिलाडेल्फिया, अ पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओन्ड बाई फैमिली एक्वेंटिसेस। तो दिस वॉज द स्टार्ट, इंजीनियरिंग में इनका स्टार्ट एट द एज ऑफ 18 पे हुआ, इस कंपनी से स्टार्ट लिया। हैविंग कम्प्लीटेड हिज अप्रेंटिसशिप टेलर जॉइंड द मिडवेल स्टील कंपनी इन 1878। तो मिडवेल स्टील कंपनी एट दैट टाइम बहुत एक बड़ी कंपनी थी, यानी ये कोई छोटा सेटअप नहीं था, एक बहुत बड़ा सेटअप था एट दैट टाइम फिलाडेल्फिया में। देन ही जॉइंड अप्रेंटिसशिप के बाद मिडवेल। मिडवेल अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ विलियम सेलर्स, वन ऑफ द 19th सेंचुरीज मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेंटर्स ऑफ मशीन टूल्स, वॉज वन ऑफ द लीडिंग स्टील फर्म्स ऑफ द एरा। जैसे मैंने बताया कि उस वक्त की एक मेन कंपनी थी। देयर टेलर रोज फ्रॉम कॉमन लेबर टू क्लर्क to machinist, to gang boss of machinist, to machine shop supervisor, to master mechanic in charge of all repairs and maintenance, and to chief engineer all in 6 years। यानी एक एक बड़ी कंपनी में, उस वक्त की बड़ी कंपनी में 6 साल में एक लेबरर से चीफ इंजीनियर तक, ये बहुत बड़ा एक जंप है। यानी बहुत स्पीड से ये प्रमोशंस होते होते इन चीज़ों से गुजरते गुजरते जो है वो चीफ इंजीनियर की पोजिशन तक है। टेलर 12 ईयर्स एट मिडवेल वर ईयर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि मिडवेल जो है वो टेलर की लाइफ में और एक्सपेरिमेंटेशन में इसका बड़ा रोल है। इसने अपने जो मेजर चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो एट मिडवेल किए हैं, जो 12 ईयर्स मिडवेल में गुजारे हैं वहाँ से, और उसी की बेस पे साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रमोट किया। ड्यूरिंग विच ही गेन इन वैल्यूएबल इनसाइट दैट वुड बी द बेसिस फॉर हिज लेटर आइडियाज़ अबाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। रियलाइजिंग दैट ही लैक्ड अ साइंटिफिक एजुकेशन, ही टुक अ होम स्टडी कोर्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी ज़ाहिर प्रॉपर स्टडी नहीं थी मैथमेटिक्स और फिजिक्स की, तो हार्वर्ड पे फिर कोर्स लिया होम स्टडी। ही देन इनरोल्ड इन द होम स्टडी कोर्स फ्राम स्टीवनसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू जर्सी विदाउट एवर हैविंग बीन ऑन कैंपस एक्सेप्ट टू टेक हिज एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ईच ऑफ इस रिक्वायर्ड कोर्स एग्जामिनेशन। टेलर ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 1883। तो ये हो सकता है जैसे हमारे यहाँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सेटअप है, वो इस तरह का सेटअप हो और जिससे उसने घर बैठे ही डिग्री जो है अपनी वो कंप्लीट की। गिवन द टेलर वॉज एबल टू इमीडिएटली पास मैनी ऑफ हिज एग्जाम्स इन फ्रेंच, जर्मन, हिस्ट्री एंड सो ऑन ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस अब्रॉड एंड द जर्नल रीडिंग। ही वॉज एबल टू ग्रेजुएट इन अबाउट 2.5 ईयर्स ऑल द वाइल फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज एट मिडवेल। तो मिडवेल पे अपना काम करते हुए उसने ये सारी चीज़ें कम्प्लीट की। टेलर हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट एंड रिलाइड सोली ऑन हिज ओन एक्सपीरियंसिस, क्योंकि जो डिग्री भी की वो तो इंजीनियरिंग की थी तो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। हिज ओन एक्सपीरियंस तो सारा एक्सपीरियंस बेस्ड सारी मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस थी वो थी। टू डिटरमिन व्हाट शुड बी डन टू इंप्रूव मिडवेल्स प्रोडक्शन, द कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड अ पीस वर्क इंसेंटिव सिस्टम दैट टेलर न्यू टू बी इनफेक्टिव फ्रॉम हिज डेज एज अ लेबरर। तो टेलर ने जब जिस तरह ही प्रमोशंस होती गई ऊपर जाते गए तो उसे याद जाहिर है वो एज ए लेबरर उसने काम किया हुआ था, तो उसको पीस वर्क इंसेंटिव सिस्टम जो था वो इनफेक्टिव था, और उसको पता इसलिए था कि जाहिर है एज ए लेबरर काम किया और उसको पता है कि ये कोई इतना मोटिवेट नहीं कर रहा कि जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। मिडवेल्स मैनेजमेंट फेल दैट द वर्कर्स वुड प्रोड्यूस मोर इफ दे वर पेड अ फिक्स्ड पीस रेट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस देन इफ दे रिसीव्ड अ फ्लैट डे रेट। यानी क्या, एक तो ये है कि फ्लैट डे का पूरे दिन का एक रेट है कि इतने पैसे आपको मिलेंगे, और एक ये पीस रेट कि जितने पीस आप प्रोड्यूस जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे
वो पर यूनिट आपको प्राइस मिलेगी। तो जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। तो ये उस वक्त मिडवेल की जो मैनेजमेंट थी उनकी थॉट थी। व्हेन टेलर बिकेम गैंग बॉस ही लर्नड अदरवाइज। ही क्विकली रियलाइज दैट आउटपुट वॉज अननेसेसरली लो ड्यू टू द प्रैक्टिस कॉल सोल्डरिंग वेयर बाई वर्कर डेलिबरेटली वर्कड एज स्लो एज दे डेयर्ड वाइल एट द सेम टाइम ट्राइंग टू मेक देयर बॉसेज बिलीव दे वर वर्किंग फास्ट। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था सोल्डरिंग का कि लोग जो है वो खुद से जानते बूझते उसको स्लो करते थे काम। इंडीड ही एस्टिमेटेड दैट वर्कर आउटपुट वॉज ओनली 1/3 ऑफ वाट वॉज पॉसिबल। यानी इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से जो वो एक परफॉर्मेंस दे सकते थे उसका 1/3 परफॉर्म कर रहे थे। टेलर डिस्टिंग्विश बिटवीन द टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग। नेचुरल सोल्डरिंग प्रोसीडेड फ्रॉम द नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड टेंडेंसी ऑफ मैन टू टेक इट ईजी। नेचुरल सोल्डरिंग क्या है कि आप यानी जनरली जो है यानी काम को ईजी लेते हैं कि ठीक है हो जाएगा, करते हैं कंप्लीट। तो ये दैट वाज नेचुरल सोल्डरिंग। सिस्टमैटिक सोल्डरिंग केम फ्रॉम द वर्कर्स मोर इंट्रिकेट सेकंड थॉट एंड रीजनिंग कॉज्ड बाय देयर रैश रिलेशन विद अदर मैन। जबकि जो सिस्टमैटिक सोल्डरिंग है दैट इज़ डिफरेंट। वो एक खुद से सोच समझ के काम को कम किया जाना जो है ना, दैट इज़ नोन एज सिस्टमैटिक सोल्डरिंग। नेचुरल सोल्डरिंग कुड बी ओवरकम बाय इंस्पायरिंग अ फोर्स आर फोर्सिंग वर्कर्स टू कम अप टू द मार्क। नेचुरल सोल्डरिंग का तो यह है कि आप उनको इंस्पायर करके, मोटिवेट करके आप उनसे काम ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, या उन्हें फोर्सफुली कहें कि ये इतने यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए। इस सिस्टमैटिक सोल्डरिंग पोज अ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड मैनेजर्स फॉर ईयर्स हैव बीन अटेम्प्टिंग टू कोप विद द टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू डेलिबरेटली अंडरवर्क। क्योंकि सिस्टमैटिक सोल्डरिंग तो यह है कि आप डेलिबरेटली काम पूरा नहीं कर रहे। ठीक है, वो एक ग्रुप नॉर्म्स की वजह से कि वो भी काम कम कर रहा है, वो भी कर रहा है, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक सोल्डरिंग, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जो नेचुरल सोल्डरिंग है उसको तो आप वही बात है मोटिवेट करके, इंस्पायर करके या फोर्स से आप कह सकते हैं कि जी आप ये स्टैंडर्ड ये है तो आपने इतना प्रोड्यूस करना है। टेलर डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग। ये तो वही आ गया। टेलर थॉट ही कुड ओवरकम सोल्डरिंग बाय डिटर्मिनिंग हाउ ईच जॉब कुड बी डन मोस्ट एफिशिएंटली एंड देन एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो इसका हाल मुझे कहा कि भाई इस पहले तो हर जॉब का ये देखा जाए कि इसको सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली और टाइमली करने का तरीका क्या है और उसका एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाया जाए। उससे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स नहीं थे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के इतना परफॉर्म करना ज़रूरी है। ही बिलीव दैट वंस वर्कर सॉ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैड बीन सेट साइंटिफिकली रादर देन ऑन ट्रेडिशन देयर वुड बी नो अपील एंड देयर मोटिवेशन टू सोल्डर विल वुड बी एलिमिनेटेड। तो एक दफ़ा उसका अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वंस उन्हें पता चल गया कि ये साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया कि इतने यूनिट प्रोड्यूस करना ज़रूरी है या इतने यूनिट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, तो उनकी वो जो मोटिवेशन है सोल्डरिंग की वो फिर एलिमिनेट हो जाएगी। द प्रॉब्लम वाज इन डिफाइनिंग अ फेयर डेज वर्क फॉर ईच जॉब। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त तक स्टैंडर्ड थे नहीं कि एक फेयर डे वर्क क्या हो सकता है। किसी का भी फ़र्ज़ करें फ़ैन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, टेबल प्रोड्यूस करना है या कोई भी चीज़, तो उसका एक दिन में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, इसका कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं था। टेलर सेट आउट टू डिटरमिन व्हाट द वर्कर्स ऑट टू बी एबल टू डू विद देयर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। तो फिर उसने उसके ऊपर सर्च करना शुरू किया कि किस तरह होना चाहिए, कैसे ये चीज़ कितनी प्रोड्यूस होना चाहिए, मटीरियल और इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है। देयर वॉज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वॉज टू बी कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जब उसने ये सर्च स्टार्ट की कि एक प्रॉपर कोई भी काम एफिशिएंट वे में कितना होना चाहिए एक नॉर्मल एक फेयर डे में, तो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू एम्पेरिकली एस्टैब्लिश द मोस्ट एफिशिएंट वे टू परफॉर्म ईच वर्कर्स जॉब। ठीक है, एविडेंस में एम्पेरिकली मीन एविडेंस बेस्ड कि वो करके उसको देखा जाए, कम्प्लीट किया जाए, रिपीटेडली किया जाए और फिर एक स्टैंडर्ड बनाया जाए कि जी ये स्टैंडर्ड है, तो उसको साइंटिफिकली स्टडी करके। टेलर हैड कंक्लूडेड दैट द लेबर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट वाज due to the ignorance on both sides. Management expected and workers were ready to provide a fair day's work for a fair day pay. ठीक है, neither side however knew what constituted a day's work. Conflict क्या थी, बहुत अच्छा, next इसको complete कर ले। Both relied on vague
इम्प्रेशन दैट लेड टू द कंटिन्यूइंग डिस्प्यूट्स. तो प्रॉब्लम ये थी कि फेयर डे, वो भी ये चाहते थे कि फेयर डे वर्क हो और वो फेयर डे पे हो, दोनों तरफ से था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेयर डे वर्क जो है वो डिसाइडेड नहीं था और यही एक डिस्प्यूट बनते थे. फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी 50 यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ जो कहते हैं जी 30 प्रोड्यूस होने चाहिए, तो फेयर डे वर्क कोई स्टैंडर्डाइज्ड वे में फाइनलाइज नहीं था, जहाँ से फिर ये डिस्प्यूट अराइज होते थे. टाइम स्टडी बिगेन द फाउंडेशन ऑफ टेलर्स वर्क विद द स्टॉप वॉच, वेट स्केल एंड टेप. ही लिटरली मेजर्ड द डिस्टेंसेज दैट वर्कर्स एंड मटीरियल्स ट्रेवल्ड. तो टाइम स्टडीज हुई कि कोई जॉब परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, ट्रैवलिंग कितना टाइम, कितना यानी सामान वहाँ से यहाँ लाना है तो कितना टाइम लगेगा. उसमें फिर मोशन स्टडीज़ भी बाद में हुई कि एक काम को परफॉर्म करने में कितनी मोशंस, हैंड मोशंस हैं या मूवमेंट्स हैं, वो फिर एक्स्ट्रा मूवमेंट वहाँ से रिमूव की गई और उसको एफिशिएंसी इंक्रीज की गई. ग्रेजुअली डिटरमाइन दैट अ लार्ज शेयर ऑफ बोथ एफर्ट्स एंड मटीरियल्स वर नीडलेसली वेस्टेड बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट. तो जब ये स्टडीज़ हुई, टाइम स्टडीज़ और इमोशन स्टडीज़, तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बहुत सी यानी एफर्ट्स जो हैं वो नीडलेस हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से ये वेस्टेज होती है. द सर्च फॉर द क्वेस्ट फॉर इम्प्रूव्ड इंसेंटिव्स. द सर्च फॉर इफेक्टिव पीस रेट इंसेंटिव प्लान्स फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट इज प्रोबब्ली एज ओल्ड एज ह्यूमन काइंड. पेमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वाज द बेसिस ऑफ द पुटिंग आउट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम प्रोडक्शन एंड पीस रेट इंसेंटिव्स वर यूज्ड बिफोर एंड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. कि जितने पीस आप प्रोड्यूस करें, जितना यूनिट प्रोड्यूस करें, उतना आपको पैसे मिलेंगे. एज अमेरिकन इंडस्ट्री डेवलप्ड आफ्टर द सिविल वॉर, न्यूमरस स्कीम्स वर प्रपोज्ड फॉर पेइंग लेबर. दीज इंक्लूडेड हेनरी स्टाउन गेन शेयरिंग एंड फ्रेडरिक टेलर फ्रेडरिक हॉल्सेस प्रीमियम प्लान. गेन शेयरिंग ये था कि आप अपनी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस से जो सेविंग करते हैं उसमें से आपको शेयर दिया जाए. प्रॉफिट शेयरिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो तो ये है कि टोटल प्रॉफिट जो है उसमें से आपको शेयर, ये है कि आपकी परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव आपने की उसकी वजह से जो सेविंग हुई उसमें से आपको शेयर देना. और प्रीमियम प्लान जो रेट था वो भी कुछ इसी तरह का था कि एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है एक जॉब को परफॉर्म करने का. अगर उस आपने उससे कम वक्त में किया है, फ़र्ज़ करें 2 घंटे पहले आपने कंप्लीट कर लिया है वो जॉब, उतने यूनिट प्रोड्यूस कर लिए हैं, तो वो जो 2 आवर्स की वेज रेट होगा, 2 आवर्स के लिए उसका हाफ आपको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे पे किया जाएगा. तो ये भी उससे मिलता जुलता ही था. तो ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये स्कीम्स इस पर काम होना शुरू हुआ कि कैसे मोटिवेट ज़्यादा किया जा सकता है. टेलर्स फर्स्ट पेपर प्रेजेंटेड टू दी ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स. ये अभी भी है, इसके स्टैंडर्ड्स अभी भी यूज़ होते हैं. तकरीबन कोई 125 साल इनको हो चुके हैं, इन 125 साल के करीब. इन 1895 क्रिटिसाइज बोथ ऑफ द टॉन्स एंड हंसलेस प्लान एंड प्रपोज्ड अ न्यू अल्टरनेटिव. इन टेलर्स ओपिनियन अ वीकनेस इन द टॉन्स एंड हंसलेस प्लान वाज दैट दे टुक करंट वर्कर आउटपुट एज देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. इन कंट्रास्ट टेलर प्रपोज्ड अ न्यू थ्री पार्ट प्लान टू एक्सटेंड टू दैट एक्सटेंडेड एन अर्लियर पीस वर्क सिस्टम डेवलप्ड बाय चार्ल्स ए ब्रिनले एट मिडविल स्टील. तो टेलर ने इस बात पे थोड़ा एतराज़ किया, ASME ने भी, कि ये जो इनका जो स्टैंडर्ड, इनका जो प्लान है, इसमें करंट वर्कर आउटपुट को लिया गया, साइंटिफिकली उसको मैयर नहीं किया गया. देखें आगे उसने वो जो 3 पार्ट बनाया, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस थ्रू द टाइम स्टडी टू सेट आउट द स्टैंडर्ड एंड पे रेट्स. कि आप सिर्फ करंट जो वर्कर आउटपुट है उस पर बेस कर रहे हैं, जबकि आपको टाइम स्टडी के थ्रू कितना टाइम लगता है, स्टैंडर्ड इसका पहले डेवलप करें और फिर पे रेट तय करें. अ डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम इन विच अ हायर रेट पर पीस इज पेड इफ वर्क इज डन इन लेस टाइम देन स्पेसिफाइड एंड अ लोअर रेट इज पेड इफ इट इज डन इन मोर टाइम देन अलाउड. यानी कि अगर वो कम टाइम में कर लेता है वो काम, तो फिर उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो पीस रेट ज़्यादा हो जाएगा, यूनिट रेट ज़्यादा. अगर लेट करता है तो वो पीस रेट एक स्टैंडर्ड पीस रेट के बाद वो उसको कम मिलेंगे. पेइंग मैन नॉट पोजिशंस, यानी जो काम, यानी पेइंग मैन नॉट पोजिशंस, यानी पोजिशन को नहीं पे करना. आप देखना, आपने देखना है काम जो अच्छा करता है, एफिशेंटली करता है, उसको पे करना है. टेलर एडवांसड पेइंग फर्स्ट क्लास वर्कर अ हाई वेज, देयर बाई इंड्यूसिंग दैम टू प्रोड्यूस मोर अंडर स्टैंडर्ड एफिशेंट कंडीशन विद नो ग्रेटर एक्सपेंडिचर ऑफ एफर्ट. द रिजल्ट वुड बी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड हैंस लोअर पर यूनिट कॉस्ट, मेकिंग द हायर वेजेस पॉसिबल. तो फर्स्ट क्लास वर्कर की एक टर्म आई कि फर्स्ट क्लास वर्कर ये है जो
कम टाइम में ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो उसकी उसको पे भी डिफरेंशियल पीस वर्क की बेस पे उसको पे भी ज़्यादा किया जाएगा। तो इससे ज़रा कॉस्ट कम हुई, ज़रा ज़्यादा प्रोडक्शन हुई और हायर पे वेजेस पे करना पॉसिबल था। एडमिट बिल टेलर वॉज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ वॉट ही प्रेफर टू कॉल द टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जी? द टेलर टास्क मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंडेड ऑन केयरफुल प्लानिंग। ही ईच डे वर्कर्स वर टू बी असाइन टास्क एंड गिवन डिटेल्ड रिटन इंस्ट्रक्शन एंड अ टाइम अलाउंस फॉर देयर कम्प्लीशन। ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी हर दिन कि ये टास्क है, इसकी इंस्ट्रक्शन ये है, ये परफॉर्म कैसे करना है और इतना टाइम है। टाइम स्टडी वॉज यूज टू डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ टाइम ईच टास्क रिक्वायर्ड। मेथड्स, टूल एंड मटीरियल्स वर स्टैंडर्डाइज। तो सबसे मेन चीज़ जो ज़ाहिर है उनकी वो ये थी कि स्टैंडर्डाइज किया चीज़ों को। फॉलोइंग टेलर्स डिफरेंशियल प्ले प्लान वर्कर्स हु परफॉर्म असाइन टास्क इन द टाइम अलॉटेड रिसीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई वेजेस वेयर एज ऑर्डिनरी वेजेस वेंट टू दोज हु डिड नॉट। तो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको अच्छी पे मिली, जो चूँकि डिफरेंशियल पे प्लान ही है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको ऑर्डिनरी वेज मिलेगी। एन इमीडिएट डिमांड फेस बाय द मैनेजर्स अंडर टेलर सिस्टम वॉज हाउ बेस्ट टू ऑर्गेनाइज एंड गाइड वर्क टूवर्ड कम्प्लीशन। यानी मैनेजर्स के साथ असिस्ट करने के लिए ताकि काम अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो क्या होना चाहिए, तो ये एक डिमांड अराइज हुई। टू असिस्ट मैनेजर टेलर डिवेल्प अ यूनिक फॉर्म ऑफ सुपरविजन कॉल्ड फंक्शनल फोरमैनशिप। ये एक फंक्शनल फोरमैन, टेलर फंक्शनल फोरमैन का एक ग्राफ है कि कैसे फंक्शनल फोरमैन थे। इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ऑर्डर ऑफ वर्क रूट, डिसिप्लिनेरियन, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, ठीक है, ये तमाम ओवरसी कर रहे थे उन तमाम परफॉर्मेंसेस को इंडिविजुअल वर्कर की। आगे उसने डिटेल हम देखते हैं इनकी। टेलर एडवोकेट इज द यूज़ ऑफ फंक्शनल फोरमैन ईच इन चार्ज ऑफ अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंट फंक्शन जो है उसके ज़िम्मे हैं। दीज फोरमैन वुड ऑपरेट आउट ऑफ सेंट्रल प्लानिंग डिपार्टमेंट। एंड ऑर्डर ऑफ वर्क रूट क्लर्क डिटरमाइंड वर्क फ्लो एंड द मोस्ट एफिशिएंट असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स एंड मशीन्स। ठीक है, वर्क फ्लो देखना है। ऑर्डर ऑफ वर्क रूट क्लर्क ने। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क फर्निश रिटन इन्फॉर्मेशन ऑन नेसेसरी टूल्स एंड मटीरियल्स, द प्रिवेलिंग पीस रेट एंड परफॉर्मेंस प्रीमियम एंड अदर ऑपरेटिंग डायरेक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन जो कार्ड क्लर्क था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि रिटन इंस्ट्रक्शन देनी है, पीस रेट बताना है, परफॉर्मेंस, दूसरी सब चीज़ों को ध्यान रखना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मेंटेन द टाइम टिकट्स एंड रिकॉर्डेड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच वर्क ऑर्डर। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो वर्क ऑर्डर आपको मिला है उससे रिलेटेड कॉस्ट देखनी है और टाइम। एंड अ शॉप डिसिप्लिनेरियन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ईच वर्कर्स वर्चूज एंड डिफेक्ट्स, सर्वड एज अ पीस मेकर एंड सेलेक्टेड एंड डिस्चार्ज एम्प्लॉइज एज नेसेसरी। ठीक है, ये उसका काम था। अ गैंग बॉस वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल वर्क अप टू द टाइम दैट इट वॉज मशीन। उसने मशीन तक ये सारा काम देखना है, सुपरवाइज करना है। अ स्पीड बॉस टुक ओवर व्हाइल वर्क वॉज बींग मशीन। तो उस वक्त मशीन जाने से पहले गैंग बॉस का काम है, मशीन पे जब काम चला गया है तो स्पीड बॉस ने वो देखना है काम को। डिटर्मिनिंग द टूल्स द रिक्वायर्ड कटिंग ऑपरेशन एंड अप्रोप्रिएट मशीन स्पीड क्या होना चाहिए। स्पीड बॉस ने ये तमाम चीज़ें देखनी, टूल्स रिक्वायर्ड क्या है, कटिंग ऑपरेशन क्या है, चूँकि स्टील की कंपनी थी मिडवेल, एंड अप्रोप्रिएट मशीन स्पीड क्या होना चाहिए। एंड इंस्पेक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल आउटपुट क्वालिटी एंड रिपेयर बॉस वॉज इन चार्ज ऑफ मशीनरी केयर एंड मेंटेनेंस। तो सबका एक रोल डिफाइन था, सबका एक फंक्शन डिफाइन था और हर एक ने अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना था। इन सब की कलेक्टिव देखें ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये मैनेजमेंट डेवलप होती गई, ये मैनेजमेंट लेयर्स ही बन रही हैं ना। सुपरवाइजर हैं, उसके ऊपर मैनेजर है, फंक्शनल फोरमैन के नाम से उसने ये चीज़ें डेवलप की। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज़ पिग आयरन एक्सपेरिमेंट। इन 1899 द प्राइस ऑफ पिग आयरन रोज शार्पली एंड द बेथलेम ये भी एक स्टील कंपनी है, प्रॉम्प्टली सोल्ड 10,000 टन्स फॉर इट्स इन्वेंट्री। शिपिंग द आयरन बाय रेल रिक्वायर्ड दैट इट टू बी मैनुअली लोडेड टू गंडोला कार्स। ये जो ओपन आपने उसमें रेल्स में देखी होंगी कि वैसे तो रेल के डब्बे बंद होते हैं लेकिन वो एक ओपन कार्ट भी होती हैं जिसके अंदर चीज़ें रखी जाती हैं, ऊपर से वो ओपन है। द आयरन हैड बीन कास्ट एज 92 पाउंड इंगट्स आर पिग्स। At the time, Taylors and Thompsons were preparing a handbook on the elements of work. The required loading provided an opportunity for them to gather information for the handbook on the time required to perform this type of work. तो उस वक्त चूँकि वो काम कर रहे थे हैंडबुक पे अपनी पे, तो एलिमेंट्स ऑफ वर्क पे, तो उन्हें ये एक चांस मिला के इसके ऊपर देखें कि इसकी परफॉर्मेंस जो परफॉर्म काम करने के लिए कितना टाइम लगता है और कैसे होता है।
Taylor assigned James Gillespie and Hartley C. Wall the task of conducting the study to collect the desired information. जी दो लोगों को assign किया कि information collect करें. The workers who loaded the pig iron were known as pig iron handlers. They were paid a fixed piece rate for each ton loaded. Gillespie and Wall selected 10 of the very best men and ordered them to work at maximum speed. ठीक है, उन्होंने चूँकि उन्हें ये टास्क दिया गया था, उन्होंने 10 बेहतरीन लोगों को सिलेक्ट किया और उन्होंने कहा जी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे काम करें. ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 आवर डे द वर्कर्स लोडेड 75 लॉन्ग टन्स ईच फिलिंग वन रेलवे कार. बिकॉज द टन्स लोडेड पर डे हैड प्रीवियसली एवरेज अबाउट 12.5 टन किधर, और आप देखें कि 75 टन्स, तो ये देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस पर वर्कर. द पिक आयरन हैंडलर वर एग्जॉस्टेड, क्योंकि इतना ज़्यादा काम किया तो देवर एग्जॉस्टेड. बेस्ड ऑन द फिगर Gillespie and Wall factoring in time for avoidable delays and rest set a new output standard at 45 long tons per worker per day. तो उन्होंने इस सारी फिगर्स की बेस पे जो है वो डिसाइड किया कि 40 जो नया स्टैंडर्ड है वो 45 टन्स जो है वो पर वर्कर जो है वो एफिशेंटली तरीके से काम हो सकता है. टेलर देन सेट द पीस रेट एट 0.0375 पर टन विच मेंट $0.0375 पर टन विच मेंट दैट द फर्स्ट क्लास वर्कर हु मेट द न्यू 45 स्टैंडर्ड वुड अर्न $1.85 पर डे. बिकॉज द एवरेज फ्लैट डे रेट फॉर अ कॉमन लेबर एट बेथलहम वाज $1.15 पर 10 आवर्स डे. यानी अगर जो 45 का स्टैंडर्ड लेगा उसको $1.85 पर डे मिलेगा, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड पे है पर डे की दैट इज़ $1.15, नहीं एक्स्ट्रा पे होगा. द न्यू पीस रेट रिप्रेजेंटेड अ मोर देन 60% इंक्रीज इन पे. तो अगर आप उस स्टैंडर्ड को मीट करेंगे तो 60% आपको ज़्यादा पे मिलेगी. थैंक यू वेरी मच.